एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी। सीडीपी आप सभी को पता है, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, DSSSB हो, या फिर आपका EMRS हो, या आपका कोई भी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो, एमपी टेट हो, तो सभी में आपका सीडीपी पूछा जाता है। भले ही मार्क्स जो है वो उनका वेटेज अलग अलग हो, लेकिन सभी में सीडीपी पूछा जाता है। तो अब कैसे प्रिपरेशन करें सीडीपी? बहुत लोगों की क्या होता है, सीडीपी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि आप लोग अपने कंसेप्ट को कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मटेरियल प्रोवाइड है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, NIOS की जो बुक्स आती हैं उनका PDF शेयर किया हुआ है। आप चाहे तो PDF मोबाइल में, लैपटॉप पे, जिस पे भी आप पढ़ना चाहें, और चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं। NIOS GLIT की जो बुक्स है वहां से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और सभी को पता होगा DSSSB PRT में अब चूंकि BEd वाले भी एलिजिबल हो चुके हैं, और 100 मार्क्स का यहाँ पर CDP पूछा जाता है। तो NIOS से डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं, लाइन से ही कोई क्वेश्चन बिल्कुल बना लिया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको उससे अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये NIOS की बात हो गई। फिर दूसरी आती है एक सिखवाल पब्लिकेशन की, हिंदी मीडियम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, MCQs है, उसको पढ़ो, थ्योरी क्लियर करो, मटेरियल क्लियर करो कि कैसे क्या है, कौन कौन से चीजें जो है वो कहाँ पर अप्लाई होती है, और उनमें बहुत से भर भर के 700-700 MCQs है, उनकी प्रैक्टिस करो, तो वो चीज आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो जो आपने अपने डिप्लोमा जो आपने किया हुआ है उसमें जो बुक्स है उनको एक बार रीड करने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होती है। भले ही आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप जहां पर भी सीडीपी पूछी गई है उसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, यूपी टेट के लगाओ, हरियाणा टेट के, बिहार के, सी टेट के, एमपी टेट के, KVS के, DSSSB के। अब चूंकि 100-100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इतनी शिफ्ट में एग्जाम हुए, तो सोचो कितने क्वेश्चन हमारे पास कलेक्ट हो चुके होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन लगाओ, फिर देखो कि कहां पर कौन सी थ्योरी आपकी क्लियर नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है प्याजे की थ्योरी इतनी बार पढ़ ली होती है, पर प्याजे की थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो नहीं बन पाता है। तो कोशिश करो वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, कहां पर ट्विस्ट किया गया, इस तरीके से जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप कर लोगे तो ये केवल होगा प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से। तो NIOS की बुक आपकी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत अच्छी है। कुछ सेशंस हैं चैनल पर अपलोडेड, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर ही देंगे सीडीपी में। फिर उसके बाद जो सिफार पब्लिकेशन की आप वहां से पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, जो भी आप चाहो, जहां से आप पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, है ना। और ये जो बुक है, ये जो कि ऑथेंटिक बुक्स रहती हैं, इनका कोई वैसे पर्टिकुलर पब्लिकेशन से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ जो है वो इसका जो टेलीग्राम पर शेयर की है वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल में पढ़े, चाहे तो कैसे भी पढ़ सकते हैं। अब चूंकि 100 मार्क्स का है तो थोड़ा सा DSSSB में टाइम मैनेज करके पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करो। स्पीड मेंटेन कैसे होगी, जितनी बार आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपकी अच्छी पकड़ बन पाएगी। सीटेट के देखो, इस बार ऑनलाइन पेपर हुए थे, इतनी शिफ्ट में लगभग एक महीने पेपर चले थे, बहुत से क्वेश्चन अवेलेबल है साइट पर, तो सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर देखो। सीटेट के प्रीवियस पेपर जब आप लगाओ तो आपको पता लगेगा कि हाँ, सीटेट में इस तरीके से कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो जिस भी एग्जाम में देने जा रहे हो, केवल उसी के नहीं बल्कि जहां से भी बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस लगाओ, उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो गाइस, यहां पर सीडीपी से ये बात करनी थी। आई होप ये छोटा सा सेशन था लेकिन इम्पोर्टेंट था कि कैसे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, कौन सी कहां से चीजें पढ़ना है, कैसे क्या करना है। एक अपने चैनल पर सीडीपी फुल कोर्स के नाम से भी कुछ सेशंस हैं इसमें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो सकती हो और अगर वो थोड़ी बहुत भी हेल्प करती हो तो आप उसको देख सकते हैं।
तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के एग्जाम्स में, क्योंकि सीडीपी हमेशा पूछा जाता है, सभी को पता है ईएमआरएस में आपका 20 नंबर का पूछा जाता है, यूपी टेट में 30 नंबर का। भाई पेडागोजी तो अलग है ही, हाँ सी टेट में 30 नंबर की है, पेडागोजी अलग है, सब्जेक्ट पेडागोजी आपकी अलग ही आती है। एमपी टेट में 30 नंबर का पूछा जाता है, सब्जेक्ट पेडागोजी अलग है। सब्जेक्ट पेडागोजी आपको पता ही है भाई, जितनी अच्छी सीडीपी पर पकड़ोगी, सब्जेक्ट पर धीरे धीरे पकड़ अपने आप बनती चली जाएगी। तो चलिए फिर यहाँ पर इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।